जय हिंद दोस्तों, महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, अग्निवीर सेना भर्ती जयपुर सीकर चल रही है सापरा स्टेडियम में, और आज भर्ती का तीसरा दिन था। और आज 5 जनवरी यानी जीडी की भर्ती थी, और एकेडमी के अपनी एकेडमी से 4 बच्चों ने दौड़ पास करी है। तो सबसे पहले तो इनको सारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, वेलकम, और इनका थोड़ा सा स्वागत कर देते हैं। लाओ भाई, जय 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 जय। और इन बच्चों से आज जानने की कोशिश करेंगे कि आज भर्ती प्रोसेस में क्या रहा, कितने बैच बनाए गए, कुल कितने बच्चों ने भाग लिया, और इनके बैचों में कितने थे बच्चों ने रनिंग क्वालिफाई करी, कितने बच्चों ने बीम में क्वालिफाई करी, हाइट टेस्ट में किस बच्चे को निकाला गया या नहीं निकाला गया, हाइट टेस्ट कैसा कर रहे हैं इस भर्ती में। तो इन सारे काफी कमेंट आ रहे थे कि भाई इस भर्ती में सर हाइट में काफी बच्चों को निकाला जा रहा है, कोऑपरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इन बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले बेटा आपका शुभ नाम? करण सिंह गुजर, करण सिंह गुजर। कहाँ से हो? फागी से, विनोद फागी से। आपका नाम? कुमार यादव, विनोद कुमार यादव। कहाँ से हो? चौमू तहसील, दीपक चौमू तहसील से। आपका नाम बेटा? शर्मा, दीपक शर्मा। कहाँ से हो? फागी से, फागी से। आपका नाम? सूरज चौधरी, सूरज जोटवाड़ा चौधरी, तहसील से। जोटवाड़ा तहसील से। तो बेटा आपका कौन सा बैच था, कौन तीसरा से बैच बैच था, में दौड़े? तीसरा बैच है मेरा। तीसरा बैच में। तो थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे तीसरे बैच में कितने बच्चों ने दौड़ पास करी? 36 लड़कों को पास किया था। 36 लड़कों को पास किया। आपका हाँ, कौन सा बैच था बेटा? मेरा सातवां बैच था, सातवां बैच था। कितने पांच लड़कों ने पास करी? पांच एक्सीलेंट थे, 14 गुड में थे। 5 एक्सीलेंट और 14 गुड में थे। और आपने कौन से बैच में भाग लिया बेटा? तीसरा बैच था तीसरा और बैच। 7 एक्सीलेंट थे अच्छा, और बाकी गुड में थे, गुड में। 36 पास आपने हो बेटा? टोटल। मेरा लास्ट बैच था आठवां, उसके अंदर 6 एक्सीलेंट थे, बाकी के सारे गुड में थे, जो 13 बंदे थे। अच्छा, एक चीज बताओ भाई, इस बार आज टोटल कितने बैच बने? आठ 8 बैच बने थे। आठ लगभग सारे बैच 100-100 के थे या हाँ, कम थे? लास्ट बैच में लास्ट 98 बैच थे, में लगभग 98 थे। 8 बैच, तो 800 बच्चों ने भाग हाँ लिया है। हाँ 800 बच्चों ने। आज टोटल कितने बच्चों ने दौड़ क्वालिफाई करी? लगभग 200 के लगभग, लगभग 200 से 250 के बीच में। कंफर्म पता नहीं है तुम्हारे? कंफर्म कंफर्म पता नहीं कंफर्म, वो है। बैच का फिक्स लिया ना कि कौन से बैच में कितने क्या बंदे पकड़ रहे हैं। अच्छा एक में अच्छा अच्छा 40 भी है, एक में 15 भी है, स्टार्टिंग बैच में बता रहे थे लड़के 44 बच्चों ने चौवालीस भी। बंदे पकड़ चौवालीस लिए बंदे मैंने फर्स्ट हाँ में, ठीक ठीक सेकंड ठीक में 25 पड़े हैं। तो क्या आज टाइमिंग टूमिंग अच्छा दे रहे थे? हाँ, पूरा टाइमिंग टाइम पूरा पूरा पकड़ा टाइम हुआ दे है। दे। अच्छा, काफी बच्चों को कमेंट भी आ रहे हैं कि सर इस भर्ती में टाइमिंग कम दे रहे हैं, काफी बच्चे जो फेल होके बाहर आ रहे हैं, ऐसा कोई है? नहीं 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 सर, सर, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, टाइमिंग टाइमिंग पूरा दिया जा रहा है। पूरा टाइम अच्छा, है, हाइट और चेस्ट में कैसा क्या है स्टाफ, क्या कोऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑपरेट एक कर रहे हैं अगर सभी। चलने वाली है कोई 1-2 सेंट, चलने वाला है कोई हाँ एक दूसरा, दो सेंट एक एक सेंटीमीटर तक, हाँ तो दूसरा उसको अगर कोऑपरेट कर रहे हैं, चाहे और चेस्ट नहीं में तो तो कोई नहीं ज्यादा है, है जिसको बाहर कर रहे हैं। बाहर कर रहे हैं। और आज चेस्ट किसी वाले, बच्चों को करे थे बाहर? हाँ दो एक बच्चे, दो, एक एक को बच्चे बाहर चले गए थे उस, और एक को चलाए भी थे। एक को चलाया भी था। हाँ, अच्छा, और वेट में किसी को नहीं निकाला वेट है, में किसी को नहीं सर निकाला? चेस्ट में भी नहीं निकाला, चेस्ट वेट में हाँ, से नहीं किसी को। चेस्ट में भी किसी को नहीं निकाला। तो ये था दोस्तों आज 5 तारीख का पूरा भर्ती शेड्यूल, जिन्होंने बच्चों ने दौड़ पास करके आए हैं इन्होंने सारा सब कुछ बताया है। इसके साथ ही आप सभी को थैंक यू। आने वाली भर्ती की तैयारी करने वाले छात्र और इस भर्ती में भाग लेने वाले सभी इस वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।